फाइनली हमें मिल ही गया वो VFD जो आपका सिंगल फेस लेके आपको थ्री फेस की आउटपुट दे सकता है। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेरे पास एक हमारे व्यूवर्स है, उन्होंने ही भेजा था, जो कि राजस्थान के हैं। उन्होंने मेरे पास एक कंट्रोलर भेजा था कि सर ये है ऐसे ऐसे, ये सिंगल फेस से थ्री फेस निकाल रहा है। तो मैंने काफ़ी कंपनियों से बात की, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कंट्रोलर है ही नहीं जो आपको सिंगल फेस से थ्री फेस में आउटपुट दे दे। लेकिन कई ऐसी मोटर हैं जो 220 वोल्ट थ्री फेस में लेती हैं, वो उन पर चलती हैं। तो पहले तो मैंने काफ़ी कंपनियों से बात की, उसके बाद उन्होंने एक फ़ोटो भेजा कि सर ये है उस कंपनी का। फिर हमने देखा कि ये कंपनी कहाँ से है, उसके बारे में हमने पूरी रिसर्च की, मैंने मेल वगैरह डाली उनको, उसके बाद हमें पूरी जानकारी मिली कि वो कहानी क्या है। क्योंकि ये सभी कंपनियाँ इनकार कर रही थी, जो भी आज टॉप की कंपनी है VFD की भारत में, तो वो सभी इस चीज़ का इनकार कर रही थी कि भाई ऐसा कोई VFD नहीं है जो सिंगल फेस लेके थ्री फेस दे सकता है। लेकिन ऐसा VFD है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन उसमें कुछ खामियाँ भी हैं, वो भी मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए भाई, बात हो रही है सिंगल फेस से थ्री फेस VFD की। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होता कि भाई आप सिंगल फेस लेकर VFD से आप थ्री फेस उससे आउटपुट ले लें। लेकिन इससे पहली वीडियो में आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी कि VFD काम कैसे करता है। VFD काम करता है कि पहले AC करंट लेता है, उस AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है, फिर वापस उसको AC में कन्वर्ट करता है, जो कि हमें जो हमारी मोटर को फिर वो देता है जिससे हमारी मोटर चलती है। यानी कि वो AC करंट लेता है, उसको DC में कन्वर्ट करता है, DC में कन्वर्ट करने के बाद फिर से AC करंट वो वापस मोटर को देता है। तो ये प्रोसेस है इसमें। तो इसी प्रोसेस की वजह से ये जो हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा सिंगल फेस लेता है। आप इसको थ्री फेस में भी चला सकते हैं, सिंगल फेस में भी चला सकते हैं। थ्री फेस में तो सीधा फंड है भाई, थ्री फेस से तीनों फेस आपके आ गए और थ्री फेस से आपकी मोटर जो है चल गई। लेकिन बात आती है सिंगल फेस से, कि सिंगल फेस से मोटर कैसे चलेगी जब हमारा पीछे सिंगल फेस आ रहा हो। तो ये जिस चीज़ पर काम करता है, क्योंकि हमारी MPU टेक्नोलॉजी है, तो ये सिंगल फेस इनपुट लेता है उस समय और सिंगल फेस इनपुट को DC में कन्वर्ट करता है। DC में कन्वर्ट करने के बाद ये फिर आउटपुट में इसको कन्वर्ट करता है। तो आइए पहले हम एक बार कंट्रोलर को देख लेते हैं कि वो हमारा कंट्रोलर कैसा है, और उससे लाइव देखते हैं क्या हमारी मोटर चल रही है। ये भी वीडियो मैंने उन्हीं से मंगाई है, तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा VFD है, जो कि हमारा सिंगल फेस से चला हुआ है इस टाइम। तो अभी ये अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, इसकी वायरिंग मैं आगे आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को अपनी धीरे धीरे बढ़ाता है। जैसे अभी इसकी हमारी हो गई 11 पर, अब 12 हो गई, तो धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यानी कि धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी को लेकर जाएगा अपनी 50 तक। तो इसमें थोड़ा टाइम लेगा, अभी इस समय जो ये चला हुआ है, ये हमारा सिंगल फेस से चला हुआ है इस टाइम। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी अब लगभग कंप्लीट होने वाली है, इसकी 50 तक हमारी फ्रीक्वेंसी जानी है। तो हमारी 50 तक अभी पहुंचने वाली है फ्रीक्वेंसी। तो भाई ये हमारी फ्रीक्वेंसी इस समय कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसकी वायरिंग की, इसकी वायर कैसे लगे हुए हैं। तो इसकी जो वायरिंग लगी हुई है, आप ध्यान से देखना, इसमें दो वायर एक ही पॉइंट में लगी हुई है। ये देखिए आप, जैसे दो वायर इसकी रेड और ब्लू एक ही पॉइंट में लगी हुई है, येलो एक पॉइंट में लगी हुई है। इसको ध्यान रखना, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि यहाँ से बिजली की इनपुट इन्होंने इसमें दे रखी है। ये वो ट्रांसफार्मर है जहाँ से इनका सिंगल फेस कनेक्शन गया हुआ है, जिसमें यहीं पर मीटर लगा हुआ है, मीटर से यहाँ पर सिंगल फेस गया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कनेक्शंस कैसे करने हैं सिंगल फेस से, अगर आप इस कंट्रोलर में कनेक्शन करें तो वो कैसे होंगे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, जो कि हमारी इस समय सिंगल फेस से करंट आ रही थी, क्योंकि उसमें हमारे तीन वायर लगे हैं, तीन वायर हमारे दो वायर एक ही पॉइंट में लगे हैं और एक वायर हमारा न्यूट्रल है जो कि अलग पॉइंट में लगा है।
तो ये काम इसमें आपको करना पड़ेगा। जब जैसे आप थ्री फेज से ले रहे हैं तो आपको तीनों फेज उसमें लगाने हैं, तीनों फेज की आउटपुट आपकी मोटर को मिलती रहेगी। लेकिन जब आप उसको सिंगल फेज से चलाएंगे, क्योंकि राजस्थान में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है, क्योंकि राजस्थान में अभी क्या है, लाइट वहाँ पर 8 घंटे तो रहती है थ्री फेज की, उसके बाद वहाँ पर सिंगल फेज आता है। और ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट भी इसको अलाउड कर रही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको अलाउड नहीं करती। तो उसमें क्या है, उस केस में हमें सिंगल फेज वाले केस में क्या करना है, दो फेज यानी कि जो दो वायर हमारी फेज की वायर है वो हमें एक में कनेक्ट करनी है, जो बीच वाला पॉइंट इसमें दिया गया है। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल है वो हमारा लास्ट वाले पॉइंट में हमें न्यूट्रल लगाना है। तो ये आपको वायरिंग तो वहाँ पर उसमें चेंज करनी पड़ेगी कि आपको जो है थ्री फेज आपकी लाइट चलेगी, अब सिंगल फेज आ रही है तो सिंगल फेज में आप ये इसमें चेंज आपको करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर है ही सिंगल फेज तो वहाँ तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप इस कंट्रोलर को ऐसे ही लगा दें, जैसे दो वायर इसमें एक पॉइंट में लगेंगी और एक वायर आपकी न्यूट्रल में लगेगी, जिससे आपकी मोटर चलती रहेगी। लेकिन अब बात आती है, क्या इसकी स्पीड उतनी ही रहेगी कि भाई मान लीजिए जो थ्री फेस में जो मोटर की स्पीड थी वो अगर हम सिंगल फेस इनपुट दें और उससे जो हम थ्री फेस आउटपुट ले रहे हैं, क्या उसमें भी स्पीड इसकी ऐसी रहेगी? तो उसमें इसकी ऐसी स्पीड नहीं रहेगी, उसमें स्पीड में हमारा डिफरेंस आएगा, स्पीड हमारी कम जरूर होगी। क्योंकि देखो वहाँ तो थ्री फेस आ रहे हैं, तीनों फेस में पूरी वोल्ट है, पूरी वोल्ट से हमारी मोटर चल रही है, 415 वोल्ट की मोटर, तो वो हमें पूरे आरपीएम देगी। लेकिन हमारा तो यहाँ पर सिंगल फेस ही है, सिंगल फेस से वो हमें थ्री फेस में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो उसके बाद हमारी मोटर चल रही है, तो उसमें हमारी स्पीड में डिफरेंस आएगा ही आएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन मोटर हमारी ज़रूर चलेगी, क्योंकि मोटर इसलिए चलेगी क्योंकि जब हमारा थ्री फेस में होता है तो हमें 415 वोल्ट की आउटपुट वो देता है। लेकिन इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, भाई चाइना की एक कंपनी है, अब चाइना की टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ी एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो उन्होंने ऐसा दिया गया है कि आप सिंगल फेस इनपुट लेकर इसमें ये आपको वोल्ट देता है 300, 350, 370, तो वहाँ तक वोल्ट ये दे देता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो चलती रहती है लेकिन उसकी आरपीएम कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारी वोल्ट कम हो गई लेकिन हमारी मोटर चल रही है, हमें पानी भी आ रहा है, अगर मोनोब्लॉक है या समरसिबल है या फिर वैसी चक्की मोटर है, इंडक्शन मोटर है, तो उससे भी हमारी रनिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर हमारा कार्य थोड़ा कम हो रहा है, तो ये एक डिफरेंस इसमें आएगा। दूसरी अगर हम बात करें, ये हमारा केवल इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का मतलब है कि ये हमारा केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, इसमें आप सोलर अटैच नहीं, यानी कि इसमें आप सोलर को अटैच करके सोलर से अपनी मोटर को नहीं चला सकते, ये केवल आप बिजली से चला सकते हो। और मोस्टली इसका इस्तेमाल इसी चीज़ में होता है कि सिंगल फेस आपकी इनपुट है और उससे आप थ्री फेस आउटपुट ले लें। एक और इसमें हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 15 HP की मोटर है या 10 HP की मोटर है, तो आपको कंट्रोलर 10 HP का नहीं लेना होगा। इसमें ये थोड़ा सा है, अगर आपको 10 HP की मोटर चलानी है, अगर आप थ्री फेज टू थ्री फेज चलाना चाहते हैं तो वहाँ तो आप 10 HP का ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सिंगल फेज से हमारी जो है ये एडजस्टमेंट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको पावर बढ़ानी होगी, यानी कि 10 HP अगर आप चलाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 HP का VFD लेना होगा। उसके बाद अगर आप 20 HP की VFD चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 HP का VFD लेना होगा। 15 HP की चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 HP का VFD लेना होगा। तो इसमें आपको VFD की पावर जो है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी, ताकि वो हमारी वोल्ट थोड़ी ज़्यादा बना सके, थोड़ी एम्पियर ज़्यादा निकाल सके। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। इसकी जो वारंटी है वो 1 साल की वारंटी है, 1 साल के अंदर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको कंपनी द्वारा ठीक करके दिया जाएगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी इसके बारे में। उसके प्राइस की बात करें तो अलग अलग HP का अलग अलग प्राइस है, जो भी आपको प्राइस दिया जाएगा आप हमें व्हाट्सअप कर दें या फिर आप कॉल के माध्यम से जान सकते हैं, वो आपको इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब इंक्लूड करके, GST वगैरह इंक्लूड करके वो आपको हम प्राइस देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।